कितना वाओ, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये देख सकते हो, ये जो फूल है उसके। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ का? 40 दिन हो गया। और कब तक ये हो जाएगा कम्प्लीट? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अर्चू ब्लॉसम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आई हूँ सेक्टर 2 का पंडाल, जो कि अभी मेकिंग में है, बन रहा है यहाँ पर पंडाल जो है। तो मैं अभी आप लोगों को इसका मेकिंग वीडियो दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सजावट हुआ है, देख सकते हो। और इसका थीम है सपनों का महल, सपनों का महल। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देख सकते हो। डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुई है। हर साल की तरह सेक्टर 2 में बहुत ही सुंदर सुंदर थीम रहता है और बहुत ही सुंदर सजाया जाता है। पैर रखने का जगह नहीं होता। ये वाला जो पूरा एरिया, यदि आप लोग देख पा रहे होंगे इस साइड में, तो यहाँ पर पूरा मेला टाइप ऑफ लगता है। बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं। तो जब लगेगा ना, तब मैं और आऊंगी स्थापना के बाद गणेश जी का। और गणेश जी की जो मूर्ति है वो थनौट से आ रही है, राधेश्याम चौधरी जी के यहाँ से। तो मूर्ति बहुत ही सुंदर है, मैं देख के आ चुकी हूँ। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब स्थापना होगा। तो चलो चले अंदर। और हाँ, मेरे जस्ट सामने भी यदि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सा ऐसा बना हुआ है। ये क्या है? राम मंदिर का ऐसे पीछे कुछ बना है क्या इसमें? राम मंदिर का लाइट है। अच्छा, इसमें सिर्फ लाइट ऐसे लगा हुआ है, राम मंदिर का ऐसा पूरा बनाया गया। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो सामने भी हमारे यहाँ पर पंडाल का भी हुआ, और इधर मेरे जस्ट सामने, मतलब आमने सामने जो है ऐसा राम मंदिर बना है, और सामने में ये बहुत ही सुंदर सा सपनों का महल बना हुआ है। तो चलो चलते हैं अंदर। ये देख सकते हो, ये पूरा नीला कलर का इस टाइप का पंडाल है, और उसमें सफेद कलर का ना पूरा ये स्टॉकिंग्स बोलते हैं ना, शायद वो कपड़ा है। और ये ऐसा बड़ा बड़ा सारा मुखौटा टाइप का बना हुआ है। और ये यहाँ पर डेकोरेशन चल ही रहा है ना। तो अंदर जाने, अंदर का जो एंट्रेंस है ना, वो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी मैं अंदर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बाकी सामने का मैं दिखा रही हूँ। ये प्रवेश द्वार के जस्ट ऊपर में इस तरीके से देख सकते हो, गणेश जी को इस तरीके से बैठाया गया है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। छोटी वाली मूर्ति है यहाँ पर। और ये एक एंट्रेंस है, दो एंट्रेंस रहता है हमेशा। अच्छा, उधर भी है, वो शायद निकलने का द्वार होगा। ये मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हमारे गणपति बप्पा जो है वो दिखाई देंगे। और अभी भी ये देख सकते हो, तैयारियां जो है चल ही रही है। नेट वाला छाता जो होता है ना, नेट मच्छरदानी टाइप ऑफ, उसके अंदर ऐसे लाइट लगा हुआ है। बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। ये देख सकते हो, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ऐसे रखे हुए हैं, और ये कटिंग करके रखा हुआ है जो शीट है। बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है यार, मतलब जबरदस्त। पूरा पंडाल भरा हुआ यूनिकनेस से, इतने सारे, मतलब ऐसा लगता है कि सच में सपनों का जो महल है वो ऐसे ही होता होगा क्या। ये तो इमेजिनरी है, बाकी सुंदर बहुत लग रहा है।
ये देख सकते हो, ये जो फूल है उसके जस्ट पीछे ना गोल्डन कलर की लाइटिंग की गई है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है यार। मतलब जबरदस्त पंडाल यदि बोल सकते हो तो मेरे को अभी ये वाला पंडाल तो काफी ज्यादा सुंदर लगा। ये ऊपर देख सकते हो चिड़ियाएं उड़ रही हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है यार। पूरा व्हाइट कलर का है, लाइटिंग ब्लू है इसलिए वीडियो में आप लोगों को ब्लू दिखेगा। ये देख सकते हो ये पूरा नीले कलर का लाइट लगाया गया है। ये बहुत सारे ऐसे परियों के मुखौटे बनाए गए हैं जो कि अभी फैले हुए हैं क्योंकि तैयारियां एकदम जोरों शोरों से लगी हुई है, चल रही है। पूरा कवर्ड है ये देख सकते हो आप लोग। पूरा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये फूल ही फूल है यहाँ पर। फूल को ऐसा ग्रीन शेड दिया गया, पीछे में गोल्डन लाइट, मतलब दिमाग सुंदर पंडाल का। ये ऐसा पिलर टाइप का बनाया गया, उसमें पिंक टाइप की लाइटिंग दी गई है जो कि और उसको एनहांस कर रही है, काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। ये देख सकते हो किस तरीके से बनाया जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे, फोम है क्या, ये फोम है ना, टाइट वाला फोम बोलेंगे ना। ये देख सकते हो किस तरीके से बनाया जाता है चीजों को, कितना मेहनत लगता है। वो वहां पर बड़ा वाला ऐसा पिलर जो है वो तैयार किया जा रहा है, जो देख सकते हो आप लोग पूरे इस तरह यहाँ पर लगा हुआ है, वहां पर और पिलर को तैयार किया जा रहा है। ये ऐसा गुंबज टाइप का बनाया गया जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, और ये ऐसी चिड़िया लोग ऐसा उड़ रहे हैं हवा से, हिल रहे हैं ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा बनने के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। भैया आप लोग कहाँ से आए हो? कलकत्ता से। हर साल आप लोग बनाते हो क्या? पिछले साल बनाया था आप लोग ना। पिछले साल का थीम क्या था भैया, मुझे भी न्यूज का। हाँ पूरे पेपर्स लगे हुए थे ना और पुराने आर्टिकल्स लगाए हुए थे। कब से आप लोग तैयारी कर रहे हो यहाँ का? 40 दिन हो गया। और कब तक ये हो जाएगा कम्प्लीट, मतलब कि गणेश चतुर्थी तक के? हाँ 18 तारीख तक। कितना खर्चा आ गया होगा? कितना सामान लग गया होगा? सामान डेकोरेटर के अंदर। अच्छा आप लोग सिर्फ आर्ट करने वाले हैं। अच्छा ये देख सकते हो उसे बहुत सारे फोम के शीट्स हैं और वहां पर जो अंकल है वो भी बना रहे हैं डिजाइन जो है कटिंग कर करके। कटिंग किससे कर रहे हैं अंकल? अच्छा वो थर्मोकोल कटर जो होता है उससे। ठीक ठीक। तुम कहाँ गए? तुम कहाँ पर होते हो? चलो चलते हैं, मैं अभी आप लोगों को अंदर का एरिया दिखाती हूँ जहाँ पर हमारे गणेश जी जो हैं विराजमान होंगे। ये देख सकते हो ये वाला एरिया है जहाँ पर हमारे गणपति जी जो हैं। ये देख सकते हो ये ना यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा ऐसा हिरण जो है वो बनाया गया है। हिरण जो है अभी पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो फूल जो है ना यार क्या जबरदस्त दिख रहा है, मतलब। ये देख सकते हो ये है फोम का शीट, इसमें से बनाया जा रहा है, पूरी कटिंग जो है इसमें से की जा रही है। अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन तो ऑन कर ही लेना, और आप सभी लोगों को एडवांस में गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जरूर आइएगा ये वाला पंडाल देखने के लिए, बहुत ही सुंदर है। टिकट वगैरह के बारे में अभी पता नहीं चला है, टिकट तो हमेशा होता ही है यहाँ, तो वो उसी दिन मालूम चलेगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।